बच्चों के लिए। अच्छा, आपने आयुर्वेदा के वो बताया था च्यवनप्राश, डॉक्टर, इसकी जी च्यवनप्राश हमको हर रोज खाना चाहिए, तो आप कुछ स्पेशल च्यवनप्राश रिकमेंड करती हैं कि कोई भी च्यवनप्राश खा सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या च्यवनप्राश भी आप लेते हैं तो आप ऑथेंटिक सर्च करें तो ज्यादा अच्छा है। तो जो भी केरला कंपनीज हैं, लाइक कोटकल है, एवीटी है, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड बट आई एम गिविंग सम नेम्स ओनली बिकॉज कि उनका जो मेडिसिन है वो बहुत ऑथेंटिक है। बिकॉज च्यवनप्राश जो है उसमें 51% जो कंटेंट है वो आंवला है, तो अगर आंवला है तो वो आंवला उसके अंदर होना चाहिए ताकि जो बच्चे भी ले रहे हैं या बुजुर्ग भी ले रहे हैं किसी को उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अदरवाइज वो जो मिथ इतने सालों से चलता आ रहा है कि च्यवनप्राश सिर्फ सर्दियों में खाएं और गर्मियों में ना खाएं, फिर वो वैसे इफेक्ट हमें मिलते हैं तो हम उसी मिथ को फॉलो करने लगते हैं। तो अगर हम ऑथेंटिक च्यवनप्राश लेंगे जो अच्छा है, जो ब्रांडेड है, तो हमें ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी साउथ इंडियन कंपनीज के च्यवनप्राश हैं, दे आर वेरी गुड, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं।